दोस्तों क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, और भाई टिकट भाई इन लोगों ने दिलाई है तो इन लोगों के लिए भी लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये फ्रंट वाला मूवमेंट इन्हीं लोगों की वजह से मिल पाया है। लंकेश्वर दशानन रावण, ठीक है, जो अपने कुंभकर्ण भाई को भाई जगा रहा है, देखिए तो भाई भाई साहब देखिए, वाह यार इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग, ठीक है लिटरली बता रहा हूँ मैं यार। देखिए दोस्तों देखिए पुतला दहन कुंभ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सबको जय श्री राम। आज है कुंभकर्ण का पुतले का दहन, ठीक है, और इस समय हम लोग परेड ग्राउंड से लाइव है जो कि कानपुर में पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने आपको लास्ट वीडियो में लंका दहन दिखाई थी परेड की, और आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कुंभकर्ण पुतला दहन, ठीक है। आपको कुंभकर्ण पुतला दिखाते हैं और कितना विशाल मना है, जैसे कि हम लोगों ने पुतला मनाने वाले भैया से बात करी थी बिल्कुल वैसे ही मनाए। सबसे पहले दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए दोस्तों कुंभकर्ण पुतला, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना विशाल है भाई। और कानपुर की बात करें ना, सबसे अच्छा जो होता है रामलीला यहीं की होती है, तो दैट्स व्हाई हम लोग पहुंचे हैं कुंभकर्ण पुतला दहन दिखाने। और जैसे कि आपको पता ही है कुंभकर्ण का वध किसने किया था, और पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे, पूरी आतिशबाजी दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉग में। अब दोस्तों आप लोग दूर से देखिए, ठीक है, क्या भाई व्यू आ रहा है, कुंभकर्ण पुतले को देख रहे हैं आप इस समय परेड ग्राउंड से, ठीक है, जो कि कानपुर में पड़ता है, टॉप वन रामलीला में आता है। और ये देखिए पूरा व्यू, ठीक है, और आप देखिए पब्लिक भाई साहब, यहाँ पे निकलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए आप मनाने आए हैं, यहाँ पे हो रही है रामलीला जैसे कि आपको पता ही है। और अंदर का भी आपको व्यू दिखाते हैं, देखिए भाई साहब, ठीक है, कितने लोग हैं, कितनी पब्लिक है, और लोग ये मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहे हैं अपने फोन में, ठीक है। देखिए दोस्तों पूरी तरीके से आपको व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, कितना बढ़िया पुतला दिख रहा है। अभी आपको हम दहन दिखाएंगे और इसके बाद आतिशबाजी दिखाते हैं। ये हाँ मैम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कुंभकर्ण का पुतला पीछे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे हो रही है, ठीक है, रामलीला, ठीक है, पीछे हो रही है रामलीला, और आपको पूरा सिस्टम दिखाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। पब्लिक देखिए भाई कितनी है, ठीक, पब्लिक देखिए आप, बहुत तगड़ी पब्लिक है भाई साहब। दोस्तों इस समय देखिए भाई कितने लोग हैं, ठीक है, और हर्षित है, और बाकी अपने अपने नाम बता दो भाई। रोहन श्रीवास्तव। भाई आपका? आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है, और सब लोग बैठे हुए हैं। और भाई पास का इंतजाम किसने किया है? हर्षित और आदित्य ने, और इन्होंने भाई किने किया है, ठीक है। और वीआईपी वाला सिस्टम है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं पूरे फ्रंट व्यू से, ठीक है, कुछ ही शर्ट दिखाएंगे आपको बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। देखिए इस समय कुंभकर्ण जगा रहे भाई कुंभकर्ण को, देखिए, ठीक है, लंकेश्वर दशानन रावण, ठीक है, जो अपने कुंभकर्ण भाई को भाई जगा रहा है, देखिए भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आखिरी का मोमेंट है जो आपको दिखा रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, आप पब्लिक देख सकते हैं भाई साहब, कानपुर की लैंग्वेज में एक नंबर भौकाली रूप से ये लोग आए हुए हैं, ठीक है। और आप देखिए इस समय कुंभकर्ण युद्ध चल रहा है, ठीक है, और आप देखिए आपको हर चीज दिखाएंगे, कुछ मूवमेंट्स दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स, ठीक है, और एक जगह ये स्क्रीन लगी है और एक जगह ये स्क्रीन लगी है, ये देखिए दोस्तों। और हम हैं साथ में भाई, ये लोग हैं भाई लोग, ठीक है, जो हर्षित है, और ये लोग हैं भाई, ये भी यूट्यूबर है, शक्ल दिखा दो भाई, मुखड़ा दिखा दो अपना, ठीक है, इनको भी सपोर्ट करिए, इनका चैनल हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए दोस्तों ये फाइनल मूवमेंट्स है और आपको हर चीज दिखा रहे हैं, और यहाँ पे है कुंभकर्ण, विशाल कुंभकर्ण, ठीक है, जो कि परेड रामलीला की खासियत है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पूरी यहाँ भीड़ देखिए भाई,
ठीक है, हर जगह आपको भीड़ दिखेगी, हर जगह कुछ ही क्षणों में कुंभकर्ण के पुतले का दहन होगा। हम आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखा रहे हैं बीच से बिल्कुल, और यहाँ से ही आनंद मिलेगा आपको आतिशबाजी का। देखिए दोस्तों, कुछ ही क्षणों में परेड रामलीला का कुंभकर्ण दहन हो जाएगा, ठीक है। और इस समय हम लोग आपको मिडिल से दिखा रहे हैं बिकॉज आपको दिख पाए। भाई पब्लिक देखिए, भाई पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एक नंबर तरीके से वेट करते हुए। देखिए दोस्तों, बस कुछ ही क्षणों में आतिशबाजी स्टार्ट होने वाली है, और इस समय हम लोग कानपुर के परेड रामलीला से लाइव है, ठीक है। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई फिर एक बार, ठीक है, और इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, और भाई टिकट भाई इन लोगों ने दिलाई है, तो इन लोगों के लिए भी लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये फ्रेंड वाला मूवमेंट इन्हीं लोगों की वजह से मिल पाया है। और देखिए भाई, पास भाई हम लोग भी जा सकते थे, लेकिन जो पास में मजा नहीं है ना, वो यहाँ से मजा है, बिकॉज आतिशबाजी आपको यहीं से अच्छी मिलेगी और कहीं से अच्छी नहीं मिलेगी। आपको पैर नहीं दिखाने हैं, आपको पूरा पुतला दिखाना है, दैट्स व्हाई हम लोग थोड़ा दूर से मना रहे हैं। मनाया होगा लोगों ने पास से, लेकिन हम आपको पास से नहीं दिखाते हैं, हम आपको दूर से दिखाते हैं। बस कुछ ही क्षणों में कुंभकर्ण का पुतला दहन हो जाएगा, और ये परेड रामलीला का मंचन है, वहां से हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लाइट बंद हो चुकी है, सही सुना आपने, लाइट बंद हो गई है, और बस आतिशबाजी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। सबके फोन की सेल्फी खुल चुकी है ये मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, बिकॉज हर साल में एक ही दिन में होता है ये सब चीजें, बाकी आप देखिए, ठीक है। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, जी हाँ सही सुना आपने, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, और ऐसे ही नहीं परेड रामलीला नंबर वन है पूरे कानपुर में, ठीक है, कुछ तो खास है, ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है, वही तरीके से जो लंका दहन में हुआ था। आतिशबाजी इस समय हम लोग आपको लाइव दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, लंका दहन की तरीके कुंभकर्ण पुतला दहन आपको दिखाया है, क्यों ना दिखाए, बिकॉज आप ही लोग तो जान लो, ठीक है। देखिए पहला शॉट, सेकेंड शॉट, थर्ड शॉट, फोर्थ शॉट, फिफ्थ शॉट, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। देखिए दोस्तों, यही से तभी हम आपको दिखा रहे थे, बिकॉज आगे से वो व्यू नहीं आएगा, वो यहां से आएगा। तो आ गए हम लोग परेड रामलीला आपको दिखाने के लिए, कुंभकर्ण पुतला दहन। आज है 22 अक्टूबर 2023, ये दिन याद रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, क्या आ रहा है व्यू, एक नंबर तरीके से व्यू आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है भाई, इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, और इस वीडियो को और शेयर करिए, और अगर प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त है तो बिना लाइक करे सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। भाई साहब एक नंबर, जय श्री राम का नारा लगते हुए, ठीक है, बढ़िया तरीके से भाई। भाई एक नंबर, दैट वॉज अमेजिंग यार, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है, एक नंबर तरीके से आपको बिल्कुल कानपुर क्लियरेंस बता रहा हूँ, एक नंबर, ठीक है।
ठीक है भाई, ठीक है। अब बस कुछ ही क्षण में कुंभकर्ण पुतला दहन होने वाला है। आतिशबाजी के बाद बस कुंभकर्ण पुतला दहन होने वाला है। वाओ, अमेजिंग यार, अमेजिंग। देखिए अब कुंभकर्ण पुतला दहन होगा कुछ ही क्षणों में। देखिए भाई, भाई भाई साहब देखिए, वाओ यार, इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ मैं यार, रियल टाइम एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ क्या फील आ रहा है। ठीक है, तो ये फील आपको हम मोबाइल से दिखा रहे हैं, बिकॉज ये वीडियो, वाओ। ठीक है भाई, हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं जो बहनें होती हैं, ठीक है, जो घर से नहीं निकल पाती हैं, जो भाई होते हैं, जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी की वजह से यहाँ आ नहीं पाते हैं, जो दूर दराज रहते हैं कानपुर से, वह उनके लिए वीडियो बनती है स्पेशली। बस कुछ ही क्षणों में भाई कुंभकर्ण पुतला दहन होने वाला है। ठीक है, अभी आतिशबाजी का शो चल रहा है और 8 मिनट से ज़्यादा ये हो गई है आतिशबाजी। सोचिए कितनी लंबी आतिशबाजी होगी, और सबके भाई मोबाइल्स ऑन है इस मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। भाई लेजर से आग लगाई जाएगी, मतलब पुतला दहन किया जाएगा, लेजर शो इन शॉर्ट कहते हैं। देखिए आप, ठीक है, बस कुछ ही क्षण में कुंभकर्ण पुतला दहन होगा और बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। और कहते नहीं है कि बुराई मत करो, हमारे मम्मी पापा भी कहते थे बेटा अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते में चलो। ठीक है, सीख हम लोगों को यही से मिलती है, रामलीला से। ठीक है, तो यही चीज आपको दिखा रहे हैं, हमेशा आप लोग भी अच्छे ही रास्ता चुनिए। अब देखिए दोस्तों, लेजर शो, ठीक है, ये लेजर शो की बात कर रहा हूं। अब की कुंभकर्ण इसलिए खास बना है बिकॉज अब की कुंभकर्ण के पैर भी लगे हैं, मेघनाथ के पैर भी लगे हैं। पहले पैर पे खड़े नहीं होते थे यहाँ पे, अब की इस बार पैर पे खड़े हुए हैं कुंभकर्ण एवं मेघनाथ। ठीक है, और बिना पैर के इतने लंबे होते हैं यहाँ के कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, तो पैर के भाई कितने हो जाएंगे। देखिए दोस्तों भाई कुंभकर्ण, ठीक है, पुतला दहन सबसे पहले हम लोगों के चैनल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ठीक है भाई, क्या भाई व्यू आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है भाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है भाई। देखिए भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है। ठीक है, कहां से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
देखिए दोस्तों क्या भाई व्यू है, ठीक है देखिए आग लगी है, देखिए दोस्तों देखिए पुतला दहन, कुंभकर्ण पुतला दहन, रामलीला सोसाइटी जो कि कानपुर में स्थित है, सबके मोबाइल ऑन हो चुके हैं बिकॉज ये मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए इस समय हम लोग लाइव है, कोई नहीं दिखाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल दिखाएगा, ठीक है देखते रहिए हम आपको दिखाते रहेंगे, आप थक जाओगे लेकिन हम नहीं थकेंगे बिकॉज ये मेहनत है आप लोगों के प्रति, ये प्यार है आप लोगों के प्रति, बुराई जल चुकी है अच्छाई के खिलाफ, ठीक है देखिए दोस्तों कुंभकर्ण पुतला दहन हो चुका है, ठीक है देखिए दोस्तों स्वाहा, ठीक है और आप पब्लिक देखिए, देखिए आप गिरेगा भाई पुतला, ये भी देख लो भाई इतना देखा है गिरेगा, देखिए भाई साहब ठीक है पूरा व्यू है कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है हाथ गिर गया भाई, बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है तो आपको पूरा कुंभकर्ण पुतला दहन दिखा दिया जो जस्ट हमारे पीछे देखिए, ठीक है और आपको हर चीज दिखाते रहेंगे और जो यहाँ का जो व्यू है ना इन लोगों के वजह से आप आया है भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और क्या कहोगे भाई, ये मोमेंट जो है सबके फोनों में कैप्चर हुआ है और ये फोन कैप्चर होने लगे, इतना बढ़िया जो मोमेंट गया है ये भाई आपके बदौलत है कि हम लोग आपसे मिल पाए और हमारा चैनल भी सपोर्ट हुआ इसमें, और भाई क्या कहोगे, बस आपका चैनल सपोर्ट किया जाए बस, और कैसा लगा देन, बहुत अच्छा लगा बस, और भाई अर्शद भाई बड़े मजाकिया भाई हैं और कैसा लगा भाई, भाई बहुत अच्छा लगा है और कानपुर की लैंड में ये बहुत जुगाड़ू आदमी है, ठीक है कहीं नहीं मिलेंगे इतने अच्छे जुगाड़ू जो ये है अर्शद भाई, ठीक है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, कल है मेघनाथ दहन तो हम लोग आपको मेघनाथ पुतला दहन भी दिखाएंगे, और चिल्लाते चिल्लाते भाई मेरी आवाज भी डाउन हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सच्चे श्री राम जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हमारी देश की संस्कृति देश विदेश तक जाए, तो जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय और आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय।